Today our topic for discussion is notes and source of notes. So I'm going to ask you a question. What are the disadvantages of extracting or gathering notes from a specific source? No, rather why? Yes. I would like you to provide the answer in Hindi. देखिए बात स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक की नहीं है. जहाँ तक नोट्स की बात हो, मेरे ख्याल से आप अध्यापकों के संदर्भ में इस बात को कह रहे होंगे और विद्यार्थियों के संज्ञान में ये बातें आप कह रहे हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक अध्यापक अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी एक विशेष विषय को, और जब एक अध्यापक एक बैच को पढ़ाते हैं, एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, एक वर्ग को पढ़ा रहे हैं, एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो अच्छी तरह से अवगत होते हैं अपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों से, उनकी गुण अवगुणों से, उनकी क्षमता से, उनकी योग्यता से, उनकी कमजोरियों से, और वो अध्यापक जब एक विषय पे अपनी सफल जो है टीचिंग को समाप्त करके एक निर्णायक पड़ाव तक जब लेके जाते हैं, और उसके बाद स्थिति आ पड़ती है कि बच्चों ने क्या समझा, उस चीज़ को कैसे मूल्यांकित किया जाए, तो यहाँ कई तरीके हैं, कई पारंपरिक विधियाँ हैं, परीक्षा की व्यवस्था है, या फिर और भी कुछ तौर तरीके हो सकते हैं. जैसे कि बच्चों को आज हम आधुनिक तौर पे देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको दे दी जाती है, तो प्रोजेक्ट्स पे भी अपनी नॉलेज या फिर जो उनकी ज्ञान है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं तक. लेकिन इसके साथ ही ये जो किसी विषय पे अपना ज्ञान पाना और उस विषय पे अपने ज्ञान पे अपनी मूल्यांकन स्थापित करना कि मैंने कितना सीखा, मैं विद्यार्थी के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूँ, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक तो कहे तो अंग्रेजी में एक शब्द है कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल एक व्यवस्था स्थापित हो गई है कि जब भी आप किसी लेसन को पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद फिर आप नोट्स लिखिए, आप आंसर्स टू द क्वेश्चंस कीजिए, आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, आप इस प्रकार के कई एक्सरसाइजेस कीजिए जिनमें मैच द फॉलोइंग्स होते हैं, कभी दो कॉलम्स होते हैं, दोनों कॉलम्स में कई कंटेंट्स होते हैं जिनको मैच अप करना रहता है, ट्रू फॉल्स. तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स स्थापित कर दिए गए हैं, मानक, जिनके सहारे हम कहीं ना कहीं कुल मिला के एक्सरसाइजिंग तक पहुंचते हैं. ये ठीक है, एक्सरसाइजिंग जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस एक्सरसाइजिंग को बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मूल्यांकित करने के लिए जिस एक्सरसाइज की विधि का निर्माण किया गया, अब उस विधि को ही कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है. परिस्थिति यहाँ पे जटिल ये है, इतनी हद तक जटिल है कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक औजार दिया, औजार आपको मैंने दिया कि आपको उस किसी एक विशेष कठिन काम की को सहूलियत के माध्यम से अच्छे से कन्वीनियंटली करने के लिए उस औजार को आप इस्तेमाल करें. लेकिन मान लीजिए कि उस औजार को ही मैंने इतनी जटिल प्रक्रिया से चलाने का जो है एक तरीका बना दिया उस औजार को चलाने की, कि उसको चलाने की सीखने की विधि जो है वो ही इतनी जटिल है जो उस के बिना उपयोग करके जो आपको कठिनाई होती वो शायद उसके मुकाबले काफी आसान हो जाती. अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब मान लीजिए कि नोट्स की बात हो, आंसर क्वेश्चंस की बात हो, ऐसा क्यों है कि हर चैप्टर के बाद आंसर क्वेश्चन ही आनी चाहिए, और आंसर क्वेश्चन जो बच्चा दे पाया वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो समझ पाया, ठीक है, यह अभी तक भी ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक प्रासंगिक है, ये कहाँ तक उचित है कि आपने अपने वक्तव्य से, अपने प्रस्तुति के माध्यम से एक विशेष पाठ को पढ़ाया, और इस बात को संज्ञान में रखते हुए कि आपके पाठक कौन हैं, क्लास आपके श्रेणी में आपके कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन हैं, आप उनकी उनकी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि जानते हैं, आप उनकी एथनिक बैकग्राउंड जानते हैं, आप उनकी भाषीय पृष्ठभूमि जानते हैं, आप उनकी आर्थिक स्थिति जानते हैं, आप उनके मोहल्ले की परिस्थितियों से वाकिफ हैं, आप उनके बात और बर्ताव को जानते हैं, आप उनके चाल चलन को जानते हैं, और इसके बाद एक प्रकार से आपके मन में
हर एक विद्यार्थी के प्रति आपके कक्षा में जो पढ़ रहे हैं अपनी अपनी उनकी जो व्यक्तिगत योग्यता और अयोग्यता है उसके आधार पे आपने एक सोच बना रखी है या एक तरह से उनकी एक स्वरूप आपके मानसिकता में बैठी हुई है। अब जब आप मान लीजिए 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 50 बच्चों को पढ़ाएंगे तो 50 बच्चों की एक आपने कहे तो जिसे हम लोग एनालॉजी कहते हैं या कंपैरिजन के आधार पे आपने डिस्टिंग्विश भी कर रखा है 50 बच्चों को। और कहीं ना कहीं चूंकि आपकी क्लास है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लास है तो आपने उस क्लास के अंदर कुछ तो ऐसी बातें जरूर स्थापित की होंगी जो उन सभी 50 बच्चों के साथ आम होंगी। जैसे कि आपके साथ कैसा बर्ताव करना है तो सभी बच्चे आपके साथ एक समानांतर तरीका से बर्ताव करते होंगे और साथ में बर्ताव एक नियम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अंतर्गत करते होंगे। लेकिन सबकी डीएनए अलग है, सबकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता है तो उसी में वो अपनी कस्टमाइजेशन भी रखते होंगे। तो देखिए डाइवर्सिटीज और कॉमननेस दोनों चीज के साथ आप बच्चों को समझ रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं आगे कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने पाठ को संपन्न किया, आपने न जाने कितने तथ्यों पे कितनी विश्लेषण प्रस्तुत की, आपने कितनी ऑपरेशन चीर फाड़ करके कितनी सारी बातों को बारीकी से बताया बच्चों को, और जब बात आती है नोट्स प्रदान करने की, प्रश्न उत्तर की, तो आप किसी तीसरे चौथे स्रोतों के माध्यम से बच्चों को रेफर कर दें कि वो वहां से नोट्स को प्राप्त करके लिखें, तो ये कितनी उचित होगी। अब आपने जिस प्रकार से एक पाठ को पढ़ाया, जरा ध्यान दीजिएगा, आपने जिस प्रकार से पाठ को पढ़ाया आपकी एक विशेष शैली रही होगी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस पाठ पे अपने प्रश्न उत्तर को ड्राफ्ट किया, क्वेश्चन एंड आंसर को ड्राफ्ट किया, जरा सोचिएगा, वो तो अपनी विशेष सोच के माध्यम से किया होगा वो इंसान। तो कहीं ना कहीं एक अनइजीनेस या इनकंसिस्टेंसी स्थापित नहीं हो जाएगी। ये अलग बात है कि इससे भी दुखद घटना एक अलग ही आयाम वाली है कि जहां पता यह चलता है कि 10-10 साल पुराने असंशोधित, जिसमें संशोधन भी नहीं हुई है, अमेंडमेंट्स भी नहीं हुए, 10-10 साल पुराने, ठीक है, वैसे चिट्ठे हैं, वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, डोजियर्स हैं, उनको आज भी बच्चे इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, तो वो तो एक अति दुखद पैथेटिक परिस्थिति है, अति दयनीय परिस्थिति है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, जब आप प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं और उनके भविष्य का निर्णय जब करना हो तो आप चचा को दे देते हैं जिम्मेदारी, आप फूफा को दे देते हैं, मौसा को दे देते हैं, सड़क पे चलते एक राहगीर को दे देते हैं, कैसा लगेगा जरा सोचिए। तो ये सही है कि कभी कभी हो सकता है कि राहगीर भी आपसे बेहतर उचित निर्णय ले सकता है उनके भविष्य को लेकर, लेकिन ये कितना प्रासंगिक होगा और ये कितना सही होगा और ये कितना कहीं ना कहीं हम दूसरों को रेकमेंड करने लायक वाली बात होगी कि आप अपने बच्चों की सारी जो है पालन पोषण फोस्टरिंग कर रहे हैं और जब निर्णायक परिस्थिति आती है तो आप सरेंडर करते हैं, हाथ उठा लेते हैं, किसी तीसरे चौथे व्यक्ति को जो है नजर डाल के उसको ताकने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी अनरिलायबल सोर्सेस से नोट्स को लिखना एक बहुत ही दोधारी तलवार वाली खतरनाक परिस्थिति को उत्पन्न करती है। अब यहां क्या होगा कि जो व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो नोट्स को लिख रहा है, उसकी जो सोच होगी वो अलग प्रकार की होगी, जिसके कारण कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, और कंसिस्टेंसी नहीं आएगा तो फिर सफल पूर्वक जो जिस फॉर्म में आपने पढ़ाया, जिस शैली में पढ़ाया, वो शैली बच्चों को कॉरेस्पोंड नहीं करेगी और वे कंफ्यूज्ड रहेंगे। और जो इतनी बड़ी बवंडर खड़ा की गई थी पॉजिटिव बवंडर पढ़ाने के दौरान, वो बवंडर नष्ट हो जाएगी, धाराशायी हो जाएगी, जो बच्चे एक शैली में पढ़े हैं अंततः वे लोग एक फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएंगे।